स्वागत है वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड और होटल हॉलिडे इन जयपुर सिटी सेंटर में आयोजन और वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड के इंटरनेशनल चैप्टर्स की शुरुआत। इंग्लैंड, जर्मनी और हंगरी होंगे इंटरनेशनल चैप्टर और भारत के 10 राज्यों में भी शुरू हुए रीजनल चैप्टर्स। तो वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड जिसका आयोजन इस वक्त चल रहा है जयपुर के होटल हॉलिडे इन में और वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड के इंटरनेशनल चैप्टर्स की शुरुआत हो गई है। इंग्लैंड, जर्मनी और हंगरी इंटरनेशनल चैप्टर हैं और भारत के 10 राज्यों में भी ये जो रीजनल चैप्टर्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। भारती सिंह चौहान जी, दीपा माथुर जी, और इस वक्त हमारी सहयोगी कविता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त वहाँ। जी हाँ, जिसका वो रिलीज किया जाएगा इस बार। हर साल की तरह यह कार्यक्रम होता है और इस बार सितंबर में यह अवार्ड सेरेमनी होगी। इस वक्त जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, उसका सम्मान किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है और उसके पैनल डिस्कशन भी होगा। और पूरा जो कैलेंडर है विमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड का 2019 का, उसे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक प्रेस वार्ता होगी जिसमें मीडिया कर्मियों को बताया जाएगा विमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड के बारे में, इस साल आने वाले इस साल में क्या क्या कार्यक्रम होंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका कविता इस जानकारी के लिए। नमस्कार, हर साल की तरह हम एडवाइजरी काउंसिल जो अपनी बनाते हैं जो कि पूरी इस वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड को प्रोग्राम को देखती है अपने गाइडेंस में और अपनी सलाह जो भी होती है इस प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए देती है। इस साल हमारे साथ दो नए मेंबर एडवाइजरी काउंसिल में हमने ऐड किए हैं। मैं सबसे पहले श्रीमती अर्चना शर्मा जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल में उनको बुलाए। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है और फिर चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो। वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड के इंटरनेशनल चैप्टर्स की शुरुआत हो गई है।